क्या भोजपुरी स्टार पवन सिंह एक बार फिर शादी करने जा रहे हैं? पवन सिंह की पत्नी ज्योति का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भोजपुरी का पावर स्टार ऐसा क्यों कर रहा है। उधर पवन सिंह पर पटना में FIR भी दर्ज हो गया है। एक महिला यूट्यूबर ने उन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आप पहले ये ऑडियो सुनिए। पवन जी खुद ललायक है अपने लड़के से, तो क्यों तलाक दे रहे हैं? आप ही बताइए ना, जब बीवी का शौक था बच्चे के लिए लड़ाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं? क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन करी है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का? आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का? आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं? आप ना मेरे साथ, मेरा पति है ना ससुराल है ना कुछ है ना कोई घर परिवार है, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल की, वो लाइफ सेट कर सकते हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम, मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई है हम आगे मीडिया में बोले? हम कुछ नहीं बोले अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? मेरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती जाके रहे? मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ? इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ? तो सुना आपने ये ऑडियो? ये ऑडियो किसी और का नहीं बल्कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का है। पवन सिंह और ज्योति के बीच तलाक का मामला अभी कोर्ट में है। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह जब मैदान में उतरे थे तब उन्होंने ज्योति सिंह को अपना लिया था। तब यही बबिता मिश्रा जिन्होंने पवन सिंह पर FIR दर्ज कराई है, उन्होंने ही दोनों को लखनऊ में मिलवाया था। लेकिन अब बबिता मिश्रा का आरोप है कि पवन सिंह ने सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसा किया था, उन्हें ज्योति सिंह से लगाव नहीं था, वह लोगों के बीच अपनी छवि सुधारना चाहते थे ताकि चुनाव जीत जाएं। बबिता मिश्रा का आरोप है कि पवन सिंह ने सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसा किया था, उन्हें ज्योति सिंह से लगाव नहीं था, वह लोगों के बीच अपनी छवि सुधारना चाहते थे ताकि चुनाव जीत जाएं। बबिता मिश्रा का यह भी कहना है कि पवन सिंह ने तलाक का मामला वापस लेने का भी वादा किया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद वह अब इससे पलट गए हैं। ज्योति सिंह के वायरल ऑडियो की लाइव UP News 24 पुष्टि नहीं करता है।